नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का झूठा मुकदमा लगना एक आम बात सी अब हो गई है। हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है कोर्ट में जाती है, पति के ऊपर बेबुनियाद झूठे आरोप लगा देती है और मुकदमा दर्ज हो जाता है और पति अब परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, आपको परेशान करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी और एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं, जैसा अगर आपका भी मामला होगा तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी और इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज करके, इस जानकारी को अपने केस में यूज करके आप भी पत्नी के द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमे को आसानी से क्वेश करा पाएंगे। तो क्या पूरा मामला है, आपको क्या करना है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें को आगे हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV Act Section 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप जानकारी जुटाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। बाकी किताब के बारे में डिटेल में समझने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आती हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट होती हैं, जिनमें पति को फायदा मिला होता है, वो जो जजमेंट होते हैं वो रूलिंग जजमेंट होते हैं। यदि उन जजमेंट के जैसा आपके भी केस में कुछ फैक्ट है तो आप चाहें तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर यूज करके अपने भी केस में फायदा ले सकते हैं। जैसे किसी केस में पति का 498A का झूठा मामला क्वेश हुआ है, या फिर 125 CRPC खारिज हुआ हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, और ऐसे में आपका भी अगर फैक्ट वैसा ही है तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज करेंगे, आपको भी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप जजमेंट को जब पढ़ती हैं तो उससे आपको जानकारी मिलती है, आप उसे अपडेट रहते हैं और अपने भी केस में फायदे ले पाते हैं। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। जो हमारा ग्रुप है उसमें जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं, अपने महत्वपूर्ण जजमेंट पर आते हैं। क्या है मामला, क्या चीजें हैं? तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मामले में जो पत्नी थी वो पति के ऊपर फर्जी 498A का मामला दर्ज कराई है, जिसमें पति के ऊपर विभिन्न आरोप लगाए हैं। लेकिन जो कोर्ट है वो चीजों को देखता है, समझता है, पति अपनी सूझबूझ दिखाता है, जिसकी वजह से 498A का झूठा मामला क्वेश हो जाता है। तो देखिए, ये जो मामला है वो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो अंकित गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में आया है। ये जो मामला है इसमें होता कुछ ऐसा है कि शादी हो जाती है, शादी के बाद कुछ दिनों तक पति पत्नी ठीक से साथ रहते हैं, उसके बाद उनमें दुराव उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो मायके चली जाती है और वहां पे जाके पति के विरुद्ध हिंदू मैरिज एक्ट की धारा जो 9 है, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो धारा है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए जो मुकदमा होता है, वो पत्नी पति के विरुद्ध लगा देती है। उसके बाद जो पति होता है वो पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स का मुकदमा दायर कर देता है। तो पत्नी सेक्शन 9 करती है, पति डिवोर्स दायर करता है, ये मुकदमा चलने लगता है। मुकदमा चलने के बाद जो पत्नी होती है 2 वर्षों के बाद पति के विरुद्ध 498A में FIR दर्ज करा देती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगता है, उसके बाद जो पति होता है क्वेशिंग के लिए हाईकोर्ट जाता है, पति अपनी तरफ से कोर्ट में तर्क रखता है,
की जो पत्नी है उसने सेक्शन 9 दर्ज कराया, उसमें कभी कोई उसने आरोप नहीं लगाया कि उससे दहेज की मांग की गई हो या उसे परेशान किया गया हो। उसके बाद पति ने डिवोर्स का केस लगाया, उसमें भी उसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जहां उसने कहीं कुछ नहीं कहा है कि उससे दहेज मांगा गया हो, परेशान किया गया हो। जिरह में भी वो ऐसा कुछ नहीं बोलती है। 2 साल के बाद वो 498A दर्ज कराती है, वो भी इतना लेट से, कारण भी नहीं बताती है कि क्यों इतनी देरी हुई है, और उसमें वो कहने लगती है कि दहेज मांगा गया, उसे परेशान किया गया। तो जो मामला है वो देख के ही गलत प्रतीत हो रहा है, फंसाने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया गया है। तो ऐसे में इसे क्वेश किया जाए। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो यही पाता है कि पत्नी जब सेक्शन 9 दर्ज कराती है तो कहीं कोई दहेज की बात नहीं की है, कहीं नहीं कही है कि दहेज मांगा गया। जब वो डिवोर्स के केस में अपनी जवाबदेही देती है तो वहां भी ऐसा कुछ वो जिक्र नहीं करती है, जिरह में भी वो ऐसा कुछ जिक्र नहीं करती है कि उसे दहेज मांगा गया, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। और इन सब के बाद लगभग 2 वर्षों के बाद वो जब 498A दर्ज करा रही है तो दहेज की मांग के लिए वो कंप्लेन कर रही है, वो भी इतना विलंब से। क्यों विलंब हुआ कुछ कारण भी नहीं बता रही है। तो ये मामला देख के ही प्रतिशोध प्रतीत हो रहा है, और इस प्रकार के मामले चलाए जाने कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और ऐसे में जो कोर्ट होता है पत्नी के द्वारा लगाए गए 498A केस को क्वैश कर देता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है जो पत्नी है वो कहीं बयान दी है जिसमें उसने दहेज की बात नहीं बताई है, जैसे सेक्शन 9 या डिवोर्स के केस में, और उसके बाद वो 498A में दहेज की बात कर रही है, तो ऐसे में अगर पत्नी कहीं कंट्रडिक्ट बातें कर रही है, कहीं सेक्शन 9 में वो बोल ही नहीं रही है कि दहेज मांगा गया, 125 CRPC में वो बोल ही नहीं रही है कि दहेज मांगा गया, और 498A में कह रही है कि दहेज मांगा गया, तो अगर कंट्रडिक्ट बातें हैं, विरोधाभास वाली बातें हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार बन सकता है। साथ ही साथ जो मामला है देरी से दर्ज हुआ है, विलंब से, 2 साल की देरी से दर्ज हुआ है, विलंब क्यों हुआ ये नहीं बताया गया, ये भी एक का आधार यहां बना है। जो आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के आरोप है, ये भी एक क्वेश्चन का आधार बना। तो ये अगर आधार आपके भी केस में है तो ये जजमेंट आपके लिए है, इसका यूज आप अपने केस में करिएगा, आपको भी फायदा मिलेगा और पैस अपने मामले को करा लीजिएगा। इस संबंध में डिटेल में जानने के लिए या जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।